चुका है बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले ही संसद में आगामी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था कि और देश का मिजाज जो है उसे देखकर लग रहा है कि इस बार एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलेगी। और वही अगर बात करें बीजेपी की तो 370 सीटों पर जीत हासिल होगी। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा की, चर्चा का उन्होंने जवाब दिया। पीएम के इस बयान को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने भी नारा बना दिया है। आम चुनाव को महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले देश का मिजाज जानने के लिए एक सर्वे किया गया। सर्वे के बाद जो नतीजे आए उससे एनडीए को थोड़ा झटका जरूर लगा, क्योंकि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलना मुश्किल लगा, इस आंकड़े को पार करना मुश्किल लग रहा था। इस सर्वे के मुताबिक शायद यही वजह है कि अपने तय टारगेट को पाने के लिए एनडीए को सहयोगी साथियों की जरूरत पड़ी। यही वजह है कि एनडीए सरकार ने शुक्रवार को एक साथ 3 विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए 345 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रहा है और बीजेपी अगले दम पर 304 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा। कई राज्यों में बीजेपी एक बार फिर क्लीन स्वीप करने जा रही है। हालांकि एनडीए को इस बार 18 सीटों का नुकसान होने की उम्मीद भी है, जिसका सीधा लाभ इंडिया ब्लॉक को मिलने जा रहा है। इंडिया ब्लॉक के खाते में 66 सीटें जा सकती हैं, अन्य को 42 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 71 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस बार 19 सीटें ज्यादा जीत रही है। क्षेत्रीय दलों और निर्दलीय समेत अन्य को भी बाकी 168 सीटें मिलने की संभावना है। जो सर्वे आया है उसका ये रिकॉर्ड है, ये आंकड़े सामने आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे तो एनडीए ने तब 351 सीट जीती थी, बीजेपी को अकेले 330 सीटें मिली थी। कांग्रेस का सफाया हो गया और उनसे सिर्फ और सिर्फ 52 सीटें ही मिल पाई थी, यानी बीजेपी को इस बार डबल नुकसान होते दिख रहा है। एनडीए की सीटें पिछली बार के मुकाबले 18 कम आने की संभावना है। खुद बीजेपी को भी पिछली बार के मुकाबले 1 सीट कम मिलने की बात कही जा रही है। यही वजह है कि बीजेपी अपने कुलबे को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण तक में बीजेपी ने अपने अलायंस में क्षेत्रीय दलों और उनके नेताओं को शामिल करवाए जाने का अभियान छेड़ दिया है। जगह जगह नेताओं को पार्टी और अलायंस में लाया जा रहा है। बात बिहार की हो या फिर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की हो या फिर आंध्र प्रदेश की, कर्नाटक और तेलंगाना की भी अगर बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक क्षेत्रीय दलों को एनडीए में लाने के लिए बीजेपी नेताओं को बातचीत और फॉर्मूला निकालने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि एनडीए ने जो टारगेट तय किया है 370 का, 370 ज्यादा, 400 सीटों से भी ज्यादा जो टारगेट तय किया उसे सीटों की संख्या 65 कम है। बीजेपी भी अपने टारगेट से 66 सीटें पीछे दिख रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आंकड़ों की ये जो दूसरी पार्टी के लिए बीजेपी को अपने सहयोगियों का साथ और उनकी संख्या बढ़ाना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जीत की गुंजाइश किस राज्य में ज्यादा और किस सीटों पर ताकत लगाने की जीत की संभावना बढ़ सकती है उसे टारगेट करना होगा और फोकस होकर काम करने की जरूरत है, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। बीजेपी नेता एनडीए सभी लगातार जुटे हुए हैं सीट के टारगेट को पाने के लिए। पॉलिटिक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि अलायंस में छोटे दलों को शामिल करने के पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। ये सीटों का समीकरण तो साधे का ही, उससे ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई में भी बढ़त दिलाएगी। एक तरफ विपक्षी दल अलायंस करके एनडीए को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले गठबंधन की गांठें खुलने लगी हैं। लिहाजा कुछ विपक्षी पार्टियां अपने दम पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। जानकार कहते हैं कि गठबंधन की लड़ाई में कुछ दिनों पहले तक विपक्षी अलायंस भारी थी, लेकिन पिछले कुछ दिन से एनडीए ये संदेश देने में सफल होता दिख रहा है कि वो न सिर्फ अपने अलायंस में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा रहा है बल्कि पुराने और पिछड़े साथियों की वापसी करवाने में सफल हो रहा है।
जिन राज्यों में बीजेपी पिछड़ती दिख रही है वहाँ 1-2% वोट बढ़ने से नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। पिछले चुनाव में यूपी में बसपा का सपा के साथ गठबंधन था, इसका फायदा ये मिला कि बसपा को 10 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बसपा अपनी परफॉर्मेंस दोहरा पाएगी या फिर उससे बेहतर कर पाएगी, इसका पता तो नतीजों के बाद ही चलेगा। बीजेपी अक्सर रालोद पर परिवारवादी पार्टी होने का आरोप लगाती रही, लेकिन जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। पश्चिमी यूपी के सहारनपुर मुरादाबाद डिवीजन के साथ मेरठ, अलीगढ़ और आगरा में लोकसभा की करीब 18 सीटें हैं। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। यहाँ पर बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुस्लिम वोट बैंक के असर को कम करने और विपक्षी समाजवादी पार्टी से टक्कर लेने के लिए बीजेपी को रालोद के साथ चाहिए। चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अपनी रणनीति के तहत बीजेपी ने बिहार में जदयू को एनडीए में शामिल करके इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका दिया। कर्नाटक में देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन किया है ताकि लिंगायत के साथ अन्य समुदायों तक सीधी पहुंच बनाई जा सके। जनवरी में सपा और रालोद के बीच 7 सीटों पर सहमत बनी थी। सूत्रों के मुताबिक इन 7 सीटों में से 3 सीट कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर सीट से रालोद के चुनाव चिन्ह पर सपा अपने उम्मीदवार उतारने की बात कर रही थी। इससे जाटों में नाराजगी थी। बीजेपी उनके इस नाराजगी का भी फायदा उठाना चाहती है। साउथ इंडिया के 5 राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटें आती हैं। यहां इंडिया ब्लॉक को बड़ा फायदा मिलता दिख रहा है, जबकि एनडीए को कर्नाटक छोड़कर बाकी कहीं और कुछ खास फायदा नहीं मिल रहा है। बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहां लोकसभा की 25 सीटें आती हैं। मोड ऑफ नेशन सर्वे में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी बड़ा उलटफेर करने लगी है, उसे 17 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं जगन मोहन रेड्डी की बात करें तो मोहन रेड्डी की YSRCP को 8 सीटें ही मिलती नजर आ रही है, जबकि सर्वे में ना तो एनडीए का यहां खाता खुलता दिख रहा है और ना ही इंडिया ब्लॉक का। ऐसे में टीडीपी बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि टीडीपी बीजेपी के टारगेट को छूने में मददगार साबित होगी। तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में बीजेपी नड्डा भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि बीजेपी अगर टीडीपी के साथ गठबंधन कर लेती है तो वाईएसआर कांग्रेस शासित राज्य में एनडीए बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बता दें कि टीडीपी 2018 में एनडीए से अलग हो गई थी। इसके बाद हुए 2019 के चुनावों में उसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। वो केवल 3 लोकसभा सीटें ही जीत सकी थी। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24 समालाइट टीवी के साथ। नमस्कार।